भाभी आ गए। जी भाभी। गौरी, अरे इतनी सुबह सुबह इतनी सज धज के कहाँ को चली तुम्हारी सवारी? भाभी, वो एकेडमी के लिए पियानो खरीदना है। पियानो? जी। था वही ना जो सम्मी कपूर के ना फिल्मों में बजता था। अरे हम तो वो शिव आ गए। तुम आओ बैठो, नाश्ता करो ना। शिव को हमने बुलाया। हाँ गौरी, हम सब समझते हैं, लेकिन वो भाभी एकेडमी के लिए पियानो खरीदने जाना था, तो जो म्यूजिक शॉप वाला है ना वो शिव का दोस्त है, तो हमें छूट मिल जाएगी, तो इसीलिए हम लोग साथ में जा रहे हैं। भाभी, आपकी कमर का दर्द कैसा है? छूट कहे तो कौन, दर्द है ना कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जब देखो तब आ धमकता है। शिव, तुमने नाश्ता तो नहीं किया होगा ना? हम प्लेट लेकर। नहीं नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मुझे लगा तुम रेडी होगी तो मैं जल्दी जल्दी खा के ही निकला। हाँ बस 2 मिनट। वैसे कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा दूर है, पर तुम टेंशन मत लो, शाम तक वापस आ जाएंगे। वैसे भी गौरी, शिव को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? भाभी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, गौरी मेरी दोस्त है। छूट कहे तो कहूँ, दोस्ती तो हमें दिख ही रही है। वैसे गौरी, शिव को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? हम कह रहे थे कि तुमरी एकेडमी में अभिमन्यु भी भागीदार है, तुम उसी को साथ ले जा। और वैसे भी वो मुंबई में सालों से रह रहा है ना, इसलिए उसको ना समझ चीजों की। और गौरी, अभी की गाड़ी तो शिव की गाड़ी से बड़ी है ना, उसमें बाजा ना आराम से फिट हो जाएगा। भाभी, अभिमन्यु और हमने काम बांटे हुए हैं, वो एकेडमी के दूसरे काम कर रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, ये काम हम दोनों कर लेंगे। हेलो भाभी। हेलो हेलो, अभी ये इतना ताम झाम? अरे कुछ नहीं भाभी, गौरी के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट्स? लेकिन हमारा बर्थडे थोड़े ना है, तो आप ये, और ये देखो, और ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है गौरी, ये शगुन है, हमारे यहाँ रिश्ता तय होने पे दिया था। अभिमन्यु, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? तुम भी ना गौरी, बाल का खाल निकाल रही हो। अरे अपने खास दोस्त को गिफ्ट देने के लिए मौके की जरूरत थोड़ी ना होती है, देखे तो जरा कहाँ निकला है गौरी की लॉटरी में। अरे गौरी देखो तो सही। अरे गौरी, अरे आओ ना, बाद में खा लेना, एक मिनट बाद खा लेना, प्लीज देखो ना, आओ ना। अभी मैंने वो, आओ ना गौरी। क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारी यहाँ, क्यों बार बार गौरी पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हो? प्रूफ क्या करना चाहते हो? एक सेकंड शिव, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं गौरी के लिए अगर कुछ कर रहा हूं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कितनी बार कहा था ना मैंने गौरी, रिश्तों में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। गलत फहमी तुम्हें शिव, मेरी तो गौरी के साथ। झूठ कहे तो कहो, ये काम महाभारत कर रहे हो तुम दोनों। अरे एक समय में तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, और आज तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे तू का खड़े खड़े मुंह देख रही है, तुझे जाना नहीं है का? देर नहीं हो रही। लेकिन अरे कहा, लेकिन जाना, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। हाँ जा गौरी, चलो चलो। बस अब बहुत हो गया यार, अब तुझे हमारे रिलेशन के बारे में ऑफिशियली अनाउंस करना ही होगा। मुझे तो लगा था कि आप मेरे और गौरी के रिश्ते के बारे में शिव को बता देंगी। झूठ कहे तो कहो, अभी सब कुछ ना तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा, बस तुम अपना ना थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो। एक मिनट, हाँ Thank you.
देखो अभी तुम ना समझ नहीं रहे हो, ये शादी ब्याह का मामला ना बहुत ही नाजुक होता है। अगर शादी ब्याह की बात ना सही समय पे नहीं की जाती है ना, तो सारे किए गए पे ना पानी फिर सकता है। भाभी, मेरे और गौरी के रिश्ते पे कोई पानी नहीं फेर सकता। मैं जानता हूँ कि गौरी मेरी है और मेरा सब कुछ गौरी का, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि शिव अपना हक क्यों जताता रहे। हाँ अभी, गौरी पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है, बस ना तुम उसे ना अपने प्यार का यकीन दिलाओ, उसे रिझाओ। रिझाओ? अरे अभी लोग तो अपने प्यार में ना पर्वत समंदर सब पार कर जाते हैं, और तुम गौरी को बस एक नौलख का हार ला के नहीं दे सकते हो? फिर देखना कैसे ना गौरी तुम्हारे गले की हार बन जाएगी। तुम अभी दोगे ना? कोर्स भाभी, कैसी बातें कर रही हैं, ये क्या बड़ी बात है, गौरी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो ना अभी मैं तो सोने पे सुहागा हो जाए। क्या कहा भाभी? नहीं तो हमने कहा कुछ कहा, हाँ हम तो बस ये कह रहे थे ना कि तुम ना सब फिक्र छोड़ दो, तुम बस गौरी को रिझाने की कोशिश करो, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। गौरी, तुझे मेरी मदद करनी ही होगी यार, उस अभिमन्यु ने मुझसे एक सवाल किया है, मुझे उसके सवाल का जवाब देना ही होगा। अभिमन्यु सिर्फ हमारा दोस्त है, एक अच्छे दोस्त की तरह वो हमारी केयर करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू उसे अपना दोस्त समझती है ना, लेकिन वो तुझे सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझता, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। देख, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुझे दादी से और गुरुजी से बात करनी होगी। सिर्फ हम बात करेंगे बाबूजी और दादी से? तुम बात करोगे, तुम्हें हमारा हाथ मांगना होगा। मैं बात करूंगा दादी से। क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसमें? दादी ने तो कहा था कि वो वही फैसला लेंगी जिसमें हमारी खुशी होगी, आखिर वो यहाँ की सबसे प्यारी दादी जो है। दादी 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 दादी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम कितने ज्यादा खुश हैं, आपने हमारी दिल की बात सुन ली। अरे हमारी लाडली बिटिया, तेरी खुशी नहीं तो हमारी खुशी है, है ना? तेरी बिटिया, शिव से कहो कि हमसे बात करे। जी बाबूजी, शिव आपसे बाकी की बातें तय करना चाहता है। देखो, हमारी बिटिया सब आएगी। गौरी, गौरी, क्या हुआ है? ऐसे अकेले अकेले खुद ही मुस्कुराती रही, कब से पूछ रहा हूँ दादी और गुरुजी कब आएंगे, बता तो दे। वो दो चार दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे, और जैसी उनकी टिकट होगी और वो यहाँ आएंगे, शिव तुम्हें उनसे बात करनी होगी। मुझसे नहीं होगी यार बात, बात मिर्जापुर में जो भी हुआ उसके बाद। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें उनसे मिलकर बात साफ करनी होगी और हमारा हाथ मांगना होगा। क्या यार, हाथ मांगना होगा, हाथ मांगना होगा, हाथ मांग लो। मैंने कितनी कोशिश की थी मिर्जापुर में सबका दिल जीतने की, लेकिन सब उल्टा हो गया। और ऊपर से वो तेरी कमला भाभी यार, उन्होंने तो ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो हाथ धो के नहीं, वो नहा धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। उनका बस चले ना तो वो तो मेरा। तुम चाहे कुछ भी कर लो सी, पर इस घर का दामाद तो अभी ही बनेगा। पर भाभी, शिव बेटा देखो, तुम हमारे शिष्य थे, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, पर तुम्हें भी ये समझना होगा कि तुम्हारे कारण अभी तक गौरी को जो भी भुगतना पड़ा है वो सब। गुरुजी, मैं आपका शिष्य था गुरुजी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, आपको ये भी पता होगा कि अगर मुझे गौरी की परवाह नहीं होती तो मैं सबको छोड़ के मिर्जापुर नहीं आता। दादी जी, आप भी तो यही चाहती थी ना कि गौरी की शादी मुझसे हो जाए। सियो बेटा, हम तो सबकी खुशी चाहते, पर अब हालात बदल गए हैं, तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। हालात बदले हैं ना दादी, मैं तो नहीं बदला। अभी तय हो जाएगा कि गौरी के लिए ना उचित वर कौन है। झूठ कहे तो कहो, जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव से तय कर सकते हैं तो फिर गौरी के लिए वर क्यों नहीं? तो चलिए ठीक है, जो जो लोग चाहते हैं कि सी पांडे इस घर का दामाद बने वो अपने हाथ खड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं नहीं होने दूंगा, नहीं। क्या नहीं होने दोगे तुम? कुछ नहीं, एक बुरा सा सपना था जो मैं सच नहीं होने दूंगा। झूठ कहे तो कहो, अभी तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा ना गौरी के साथ शादी का सपना ना जरूर पूरा होगा। अरे हमारी बात पे विश्वास करो, तुम ही बनोगे श्रीवास्तव परिवार के दामाद। अब सच कह रही है ना भाभी? और नहीं तो का, तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है का? तुमसे अच्छा लड़का गौरी को और कहाँ मिल सकता है भला? वैसे भी गौरी की खुशी में तो हमारी भी खुशी है। मेरे लिए भी गौरी की खुशी से बढ़कर कुछ और नहीं भाभी। भाभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। किसका फोन है? वो अभिमन्यु का फोन है। सोच क्या रही है, कट कर देना फोन। शायद एकेडमी को लेकर कुछ काम होगा तो। I'm sorry. Hello? गौरी तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें पिक करना है। कुछ जरूरी काम था। हाँ वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलूँ पियानो खरीदने। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है अभिमन्यु, वो म्यूजिक शॉप वाला शिव को अच्छे से जानता है और शिव को इन सब चीजों की समझ भी है, शिव और हम खरीद के ले आएंगे। गौरी तुम्हें यकीन होगा मुझे नहीं है, पियानो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक बहुत बड़े डीलर के साथ बात कर ली है। तुम लेकिन अभिमन्यु हम देखो गौरी ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, आई मीन एकेडमी का फ्यूचर का सवाल, इसलिए ठीक है अभिमन्यु हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। बाय। क्या हुआ, क्या बोल रहा था? वो कह रहे थे कि वो हमारे साथ पियानो खरीदने चलना चाहते हैं। क्यों? पहले तो उसी ने कहा था ना कि मैं तेरे साथ जा सकता हूँ, तो अब क्या हो गया उसे? वो कह रहे हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो खुद हमारे साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं। अच्छा किसी पर नहीं? छोड़ो ना शिव, तुम क्या ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाते हो, वो एकेडमी का नहीं। गौरी छोटी छोटी बातें नहीं है यार ये, अब ये फाइनल है, तू मेरे साथ ही पियानो खरीदने जाएगी। देखो सर। बस गौरी मुझे और कुछ नहीं सुनना है, अब तो ये पियानो मैं ही खरीदूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो तुम भी जाओ और एक पियानो लेकर आओ और वो भी जाएंगे एक पियानो लेने, दोनों जाओ। लेकिन ये याद रखना हम तुम दोनों में से किसी के भी साथ नहीं जाएंगे, समझे? हम भी सोचा कि हम खुद ही चलकर तुमसे बात कर ले, तुम इतने परेशान जो हो और घर से भी नाराज होकर चले आए। वैसे तुम्हारा नाराज होना तो बनता है क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ जो नहीं है। हाँ भाभी मैं आपसे तो कुछ नहीं कहना चाहता भाभी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गौरी को अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं, वो मुझसे कुछ कहती भी तो नहीं है, कभी कभी तो लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। झूठ कहे तो कहो, अभी तुम ना राय का पहाड़ बना रहे हो। मतलब? मतलब ये है कि तुम ना अपने प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। अरे गौरी है ना वो मिर्चापुर में पली बड़ी है, वो ना अपने प्यार का इजहार कभी नहीं करेगी। हाँ ये तुमने मुंबई की लड़कियों की जैसी। तो मैं क्या करूँ भाभी, मैं कैसे समझूँ उसके मन की बात? अभी अगर तुम चाहो ना तो हमारे पास ना एक तरकीब है, अगर तुम सुनना चाहो तो। बताइए ना भाभी मैं क्या करूँ, मैं दिन रात गौरी के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँ। आज चाहे भूकंप आए चाहे बाढ़ में कमला भाभी से बात करके जाऊंगा कि तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। शिव हमारी? अरे क्या शिव यार, कमला भाभी से तुझे बात करनी चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले कि कमला भाभी क्यों बार बार अभिमन्यु की साइड लेती है, कौन से हीरे मोती जड़े हुए उसके अंदर। यार रुक जा, कमला भाभी मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज नीचे आइए। घर पर नहीं है। ओके देखो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा, फिर बाबूजी और दादी तो आ ही रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली उन्हीं से बात कर लेंगे ना। और वो जो अभिमन्यु बार बार तुझ पे हक दिखाता है उसका क्या? शिव, वो चाहे हक दिखाए या ना दिखाए तुम हमें तो जानते हो ना, तुम्हें तो हम पर भरोसा है ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है जब हम कल उससे मिलेंगे तो उस बारे में बात करेंगे। नहीं गुरुजी और दादी से तू बाद में बात करेगी चलेगा, लेकिन अभिमन्यु को अभी कॉल कर, अभी की अभी बात। प्लीज शिव देखो यार कभी तो मेरी बात। गौरी
हाय हाय क्या बात है बहुत चहक रही हो वो क्या है ना मैं और सन लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे कपड़े खरीदेंगे ज्वेलरी खरीदेंगे सैंडल्स खरीदेंगे और फिर उसके बाद भेलपुरी खाएंगे भेलपुरी भेलपुरी और पाव भाजी के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या हम लोग पिज्जा या फिर अच्छा सा चाइनीज खाएंगे नहीं बेबी मैं वो राइमिंग के लिए लेकिन तुम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो यहाँ वो क्या है ना मुझे चेंज करना था तो बस इसीलिए मैं तुलिका के लिए कॉफी बना रहा हूँ तुम लोगों में से किसी को पीनी है थैंक यू सो मच बेबी मैं अभी गई और अभी आई मैं कॉफी बना के आता हूँ अभी ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी हाँ हाँ मेरे भोले भाले नंदोई जी यही है आपके खुशियों की चाबी पर इससे क्या होगा अभी तुम ना समझ नहीं रहे हो देखो एक लड़की को ना अपने पति से ना प्यार चाहिए होता है पर उसके घर वालों को दादी को बाबूजी को क्या चाहिए कि लड़का ना आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं हाँ भाभी मैं तो फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हूँ हाँ लेकिन वो तो सिर्फ तुम हो ना देखो अभी झूठ कहें तो कहो इस कागज पे ना हस्ताक्षर करते ही लोगों को विश्वास हो जाएगा कि तुम गौरी को केवल तन और मन से नहीं धन से भी अपना रहे हो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें गौरी की जरूरतों का कितना ख्याल है सबको ये विश्वास हो जाएगा आप सही कह रही हैं भाभी जो कुछ भी मेरा है वो शादी के बाद गौरी का ही होगा ये हुई ना बात अब आया तुम्हारी समझ में सब कुछ नहीं भाभी मुझे अभी भी समझ में नहीं आई ये बात कि पावर ऑफ अटॉर्नी गौरी के नाम पर ओफ अभी अब हम कैसे समझाएं तुमको अब देखो शादी के बाद गौरी तुम्हारी एकेडमी तुम्हारी पर गौरी को कहाँ मिलेगा ये कागज के टुकड़े लोग कहाँ समझेंगे नहीं लोगों को तो यही लगेगा ना तुमने सब कुछ ना गौरी के नाम कर दिया अरे लोग तुम्हारे कायल हो जाएंगे अरे मिसाल देंगे तुम्हारी और रही बात शिव की तो शिव तो तुम्हारी बराबरी करने के बारे में कभी खा पे नहीं देख सकता आपने सही कहा भाभी सही कहा आपने भाभी जो मेरा है वो सब गौरी का है ये हुई ना बात आप देखना हम सब कुछ ना कैसे सेट कर देते हैं कैसे जैसे इस पेपर पे ना हस्ताक्षर करने की खुशी में ना आज रात को हमारे घर खाना खाने आ जाना फिर देखना अभी इस कमला के दिमाग का कमाल गौरी इतनी टेंशन क्यों ले रही है मैं कोई कमला भाभी से चिल्ला के बात हुई ना करूं मैं उनसे प्यार से आदर के साथ बात आखिर वो भी तो मेरी होने वाली भाभी है तुम हमारी बात नहीं समझोगे अरे यार मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना सर इस ड्रेस में तुम बहुत क्यूट लग रही हो मेरा नेल पेंट नेल पेंट अब एज ऑलवेज बहुत क्यूट ओके गौरी हम लोग चलते हैं भाभी से बोल देना आप लेट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग डिनर करने जा रहे हैं ओए ड्राइवर आराम से गाड़ी चलाना मैडम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए शिव देखो तुम ज्यादा छोड़ो यार हम वो देर हो रही ना इसको तो मैं बाद में देखना बाय बाय भाभी हम लोग आते हैं बाय 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 अभी अरे अभी ये तुलिका भी ना ऐसे ही यहाँ का कर रहा है भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है बात करनी है क्या बात करनी है भाभी मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ हाँ भाभी आज सारी बात साफ साफ हो जाए सब कुछ बता दीजिए शिव को झूठ कहे तो कहो ये तो घड़ा पकने के पहले ही उसे लेकर पानी में कूदने जा रहा है इनका क्या चाहेगा पर डूबेंगे तो हम ही एक सेकेंड प्लीज
आप दोनों शांत हो जाइए। हाँ गौरी ना एकदम सही कह रही है, अभी शांति से ना बैठ कर ना खा लो पी लो, बात बात तो होती ही रहेगी। नहीं भाभी अभिमन्यु हमें आपसे कुछ बात करनी। शिव और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, आप भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी फिक्र करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं। लेकिन एक और बात कहना चाहते हैं, अगर आज शिव और हम पियानो लेने गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मैंने कहा था ना कि मेरे, देखिए अभिमन हम क्या कह रहे हैं वो हम अच्छे से जानते हैं, और आप भी। जब हमने अपनी जिम्मेदारियां बांटी हुई है कि कौन क्या काम करेगा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपना काम छोड़कर यहाँ, ये सही नहीं है। आपका वक्त भी कीमती है और शिव का वक्त भी कीमती है, और शिव भी तो अपना काम छोड़कर आया था ना हमारे लिए, हमारी एकेडमी के लिए। गौरी वो बात भी बता दे प्लीज, बोल दे वो। गौरी तू बता रही है या मैं खुद बोल दूं? मैं बोल दूं।